आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत को पूरे भारत के नंबर वन चैनल बनाने के लिए। कि रिपब्लिक टेलीविजन और अर्नब गोस्वामी लोगों को पैसे दे रहे थे, रिपब्लिक भारत के लोगों के साथ चीटिंग कर रहा था, पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट। खबरों का फर्जीवाड़ा करते करते देखिए आज दिन कैसा आ गया, जब खुद ही खबर बन गए। मैं मुंबई का दादा हूँ, मैं जो मन में आए करूँगा। अरे सुन लो परमवीर, पैदल चलूंगा घर से पुलिस स्टेशन तक और पैदल वापस आऊंगा मैं। कर लो जो कर लो तुम। पब्लिक भारत के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें नंबर वन बनाई है। 18 महीनों से हम परिश्रम कर रहे हैं कि एक ही हमारी कोशिश है कि खबरों में आपको आगे रखें और सिर्फ 100% न्यूज आपको दिखाएं। हम कोई सीरियल वाली शो नहीं करते, हम कोई वायरल न्यूज की शो नहीं करते, हम कोई सनसनी नहीं करते, हम नाच गाने की शो नहीं करते, मगर खबरों में हम हमेशा नंबर वन आपको रखेंगे। और ये जो तमाम दावे थे कि हम पत्रकारिता करते हैं, ये पत्रकारिता नहीं, ये अपराध है, ये क्राइम है, ये जर्नलिज्म नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट है। कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है, रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। असल में ये लोगों के साथ, देश की जनता के भरोसे के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पैसे देकर लोगों को घर पे बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि टीवी लगाकर रखिएगा, हमारा ही, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे, और फिर आप देश की जनता को ये बताएं कि देखिए पूरा देश केवल हमें देख रहा है। रिपब्लिक टीवी पर भारत के साथ धोखा करने का ये अपराध और ये आरोप बहुत दूर तक जाता है कि कोई टीवी चैनल लोगों को धोखा देने के लिए टीआरपी की चोरी कर रहा, खरीद रहा पैसे देकर। रिपब्लिक भारत ने इतिहास रच दिया है। रिपब्लिक भारत तक को पीछे छोड़ते हुए देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल बन गया। मुझे कहा जाता है कि एक खबरों की दुनिया में एक क्रांति है। जिस तरह से रिपब्लिक भारत सुशांत केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा है, उससे उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का बेशुमार प्यार मिला। कि आप लोगों के साथ अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप घरों में पैसे देकर जिन मशीनों से रेटिंग काउंट होती है वहां लोगों को कह रहे हैं कि बैठिए और हमारा चैनल लगा के छोड़ दीजिए, तो आपकी बाकी बातों को कैसे मान्यता दे दें देश के लोग, जिनके साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं? कैसे मान लें कि आप बाकी सब जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं, उसमें मिलावट नहीं करते? न्यूज में ये सोच थी कि जिस तरीके से रेटिंग्स हर गुरुवार को आ रही है उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन लोगों का शक था, कोई सबूत नहीं। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये दावा किया है कि उनके पास ये पुख्ता सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन और उसके मालिक, उसका संपादक लोगों को पैसा दे रहा था। खबरों का फर्जीवाड़ा करते करते देखिए आज दिन कैसा आ गया, जब खुद ही खबर बन गए, जब खुद ही फर्जीवाड़े के तमाम आरोप लग गए हैं। आज सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है, हर किसी पर उंगली उठाने की आदत है बेबुनियाद तरीके से। खबरों के फर्जीवाड़े को फैलाते फैलाते आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है, जब फर्जीवाड़े के आरोप में, संगीन आरोप में, मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़, रिपब्लिक टीवी का भारत के साथ ये संगीन धोखा। मैं मुंबई का दादा हूँ, मैं जो मन में आए करूंगा। अरे सुन लो परमवीर, पैदल चलूंगा घर से पुलिस स्टेशन तक और पैदल वापस आऊंगा मैं। कर लो जो कर लो तुम। बार्क, इन्होंने, परमवीर सिंह ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। बार्क ने अपने कंप्लेंट में रिपब्लिक का नाम तक नहीं लिया, रिपब्लिक का नाम तक नहीं है, ये झूठ बोला परमवीर सिंह ने। हम परमवीर सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला करने वाले हैं। डराने की कोशिश करते हैं, बैंक अकाउंट सीज करेंगे, चैनल बंद कर देंगे, क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत आत्महत्या नहीं थी।